लीना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चेरी स्टाइल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो लेके आई हूँ मेकओवर वीडियो। तो आज करने वाली हूँ मैं अपने बेडरूम का मेकओवर, और इससे पहले मैंने ये वीडियो शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, इस रूम का बेडरूम मेकओवर। और वो मैंने लास्ट ईयर 2019 में अगस्त के टाइम पे जब लॉकडाउन था ना, तब मैंने इस बेडरूम का मेकओवर किया था और आप लोगों ने काफी पसंद किया है। तो मैं बंजारा मार्केट गई थी, वहां से मैंने कुछ सामान मैंने लिया है और वो उससे मैं यहाँ पे डेकोरेशन करने वाली हूँ। लास्ट ईयर जो मैंने मेकओवर किया था वो था पिंक और व्हाइट में, मैंने कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन की थी। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पिंक और व्हाइट कलर के मैंने यहाँ पे कर्टन्स लगाए हैं और इस तरह का मैंने यहाँ पे डेकोरेशन किया है, जैसे विंडो है। तो इसको मैं थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे उसमें कमेंट्स आए थे कि आपके बेड का जो ये मैंने उसमें दिखाया था कि मैं उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये बेड काफी पुराना बेड है, ये 15 साल पुराना बेड है और इसका जो मैंने हेडरेस्ट और जो इसका फ्रंट वाला है ये मैंने चेंज किया है। बेड तो पुराना है लेकिन मैंने ये दोनों चेंज किया है। तो मैं स्क्रीन में दे दूंगी पहले कैसा था। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि आपने कैसे किया है। तो ये बहुत ईजी होता है, आप उसको निकाल सकते हैं, पेच वगैरह होते हैं ना, नट्स लगे होते हैं, आप उसको निकाल के इसको आप लगा सकते हैं और इजीली आपको ये फर्नीचर जो शॉप्स होंगी उसमें आपको मिल जाता है। तो मैंने ये लिया है पंचकुला मार्केट से, आई थिंक मैंने लिया था ये 7500 या 8000 का मुझे ये पड़ा था। बहुत इजी होता है इसको लगाना। और तो ये था, मैं आपको स्क्रीन में दे देती हूँ कि पहले कैसा था और अब कैसा है। ये जो मेरा मैट्रेस है ये है वेटफिट का मैट्रेस है, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर किया है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। तो उसमें बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस थे कि आप ये कैसा है, आप कंफर्टेबल है नहीं है। तो मैंने कहा था कि मैं इसको 6 महीने के बाद आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगी। तो मुझे इसको यूज किए हुए 9 या 10 महीने मुझे हो गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसा है ये। गाइज ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है और हमारे घर में सबको, मतलब हमने इसे यूज किया तो हमें काफी कंफर्टेबल लगा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप लेना चाहते हैं वेकफिट का तो आप ले सकते हैं। तो इसके साथ मैंने ये लिया था कवर, इसके साथ मैंने लिया था वेकफिट का कवर और ये है वेकफिट का मैट्रेस। बहुत ही कंफर्टेबल है, ये है मेमोरी फॉर्म में और इसमें अर्थोपेडिक भी आता है अगर आपके बैक वगैरह में आपके पेन है या फिर आपके घर में मम्मी पापा के लिए लेना चाहते हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए लेना चाहते हैं तो बहुत ही मेमोरी फॉर्म वाला ना ले, आप अर्थोपेडिक वाला ले तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन हम इसे यूज कर मतलब अब मैंने इसको 10 महीने मैंने इसको यूज किया है तो काफी अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। थोड़ा सा जो फर्स्ट मंथ में 1 महीने में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन जब आपके 1-2 महीने बाद ये धीरे धीरे बहुत ही कंफर्टेबल होने लगता है क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो आराम से, इसमें टाइम लगता है इसको पूरा सेट होने में, तो कम से कम 1 महीना तो इसमें लगता ही है सेट होने में, तो काफी अच्छा है। इसका पूरा वीडियो है कैसे आप इसको ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं और क्या साइज आपके बेड का क्या साइज है, तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करके आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस बेडरूम का मेकओवर करते हैं। तो मैं इस रूम का जो थीम मैंने रखा है व्हाइट और ब्लू, लाइट ब्लू, तो समर के लिए ना बहुत ही सही कलर है ब्लू एंड व्हाइट। तो पहले मैंने पिंक किया था, तो होता है ना एक कलर को देख देख के थोड़ा सा बोर हो जाता है, तो ना चेंजेस लाने चाहिए अपने जहां पे आप रहते हैं वहां पर, थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस करते रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेडशीट वगैरह पहले ही यहां से हटा दी थी, तो लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने अपनी डॉटर का बेडरूम मेकओवर शेयर किया है पिंक, मैंने उसको थोड़ा पिंक और व्हाइट थीम रखी है, जरूर आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कैसे कैसे मैंने इसको डेकोरेशन करते हैं इसका। तो यहां से मैं सबसे पहले ये कर्टन्स हैं ये मैं यहां से रिमूव करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरी डॉटर चेरी मुझे हेल्प कर रही है और मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर ब्लू कलर के कर्टन्स। तो ये मेरे पुराने कर्टन्स हैं, अगर आपने मेरे पुराने लिविंग रूम मेकओवर वीडियोस देखे होंगे तो ये मैंने लिविंग रूम में लगाए हुए थे, तो अभी ये यूज़ में हो गए हैं। तो इसी तरह से घर पर कुछ चीज़ें रखी होती हैं, आप इधर से उधर इसको मिक्स एंड मैच करके आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अगर पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है बेडरूम मेकओवर तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पहले ये डेकोरेशन कैसी थी और अब कैसी है। तो यहाँ से मैंने अपना फ़ोटो यहाँ से चेंज कर दिया है
उसको मैं कहीं और पर यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने मैक्रोमे का इस तरह का डिज़ाइन ये लगा लिया है, और ये मैंने लिया था पंचारा मार्केट से। और यहाँ पर ये शेल्फ है, ये मैंने खुद ही DIY किया था, और इसको भी मैं चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो फ्रेम लगा रही हूँ। तो ये भी मेरे DIY थे, जो आवल वगैरह पेंटिंग थी, जो मैंने पुराना वीडियो था मेकओवर वाला उसमें मैंने बनाए थे। और ये जो अभी आपने शेल्फ देखा था ना डबल वाला, उसको मैंने सिंगल सिंगल इस तरह से कर दिया है, और ये अब ज़्यादा अच्छा उससे दिख रहा है। और यहाँ पर विंडो में मैंने इस तरह से कर्टन्स लगाए हुए थे, तो यही कर्टन्स मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। और लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी, जो पहले वाली डेकोरेशन थी उससे काफ़ी चेंज होगा। तो इस तरह से ही उन्हीं सामानों को मैंने कैसे यूज़ किया है आप देख सकते हैं। चीज़ें वही हैं, थोड़े थोड़े मैंने चेंजेस किए हैं, और आप देखेंगे कि पहले और अब में काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपको, जो जितनी भी डेकोरेशन है उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। तो यहाँ से मैं ये सब हटाने वाली हूँ, ये पहले वाले डेकोरेशन मैंने जो की थी इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी, और थोड़ा मैं यहाँ पे चेंज करूँगी इस कॉर्नर में। तो ये जो बेडरूम है ना, ये थोड़ा छोटा है, स्मॉल है, इसका जो साइज़ है ये 10x11 फिट है इसका साइज़। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन की है, ज़्यादा कुछ सामान मैं यहाँ पे रख नहीं सकती हूँ, ज़्यादा फर्नीचर भी मैं यहाँ पे रख नहीं सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने एडिशन किए हैं, जैसे कि मैंने वॉल शेल्फ लगा दिया, तो मैं यहाँ पे कुछ डेकोर पीस रख सकती हूँ, जिससे कि मेरे बेडरूम का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट ऑफ ड्रॉअर रखी है, जो बेड के साइड में आप कुछ भी आपको सामान रखना हो, तो मैंने छोटा सा ही ये रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक कारपेट रखा है, ताकि यहाँ पे मैं चेयर वगैरह कुछ सोफ़े वगैरह मैं रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस है मेरे बेडरूम में। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कारपेट रख के मैंने एक ये इस तरह का मैंने स्टूल रखा है, और ये कुशन्स और ये सब मैंने ना बंजारा मार्केट से लिए। अगर आप बंजारा मार्केट वीडियो या हॉल देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, एंड मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं बंजारा मार्केट की, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने वाइट एंड ब्लू कलर की बेडशीट रखी है, और मुझे लाइट कलर्स और कम प्रिंट वाली बेडशीट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। और ये कुशन्स जितने भी हैं ना, मैंने बंजारा मार्केट से ही लिए हैं। और ये है फाइनल लुक। Thank you.
हाय फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको आज का डेकोर वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपने मेरे बाकी के डेकोर वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको डेकोर वीडियोस देखना पसंद है तो मैं मंडे और ट्यूजडे डेकोर वीडियो शेयर करती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल माई फ्रेंड, बाय बाय।